बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के साइंस का फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है लाइट। तो लाइट होती क्या है, इसको हम ऑप्टिक्स भी कहते हैं। तो लाइट कितनी तरह की होती है, लाइट में हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे पहले और फिर पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। ज़्यादातर लोगों को लगता है, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि इसमें सबसे कठिन टॉपिक रे डायग्राम्स, पर ऐसा कुछ नहीं है। रे डायग्राम्स मैं आपको बहुत ही आसानी से करा दूंगा, वो भी शॉर्ट ट्रिक में। चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो की। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं लाइट में रिफ्लेक्शन का पार्ट। तो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो हम समझ। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, यानी कि जब अगर कोई इमेज बाउंस बैक होके जाएगी उस सेम मीडियम में तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्शन का डायग्राम कैसा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बता दूं। मान लीजिए ये है कोई लाइन, यहाँ से अगर कोई इमेज जाएगी तो यहाँ से बाउंस बैक होके जाएगी यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये नॉर्मल, यहाँ पे क्या है, ये नॉर्मल से होके जाएगी और ये है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाई है ये हमने, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब ये होता क्या है, यहाँ पे देखो 20 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे नॉर्मल और इस रिफ्लेक्टेड सरफेस के बीच में। यहाँ पे क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं और इसे कहते हैं इन्फिनिटी। क्या कहते हैं, इन्फिनिटी, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। इन्फिनिटी और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बगल में अगर ये जो एंगल है वो 20 डिग्री का होता है, जब मान लीजिए यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इन्फिनिटी से आके नॉर्मल से होके बाउंस बैक होके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की हो जाएगी तो उसे हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं। तो अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब आप पढ़ते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। पहले हम समझते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते क्या है। फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर, ये इसका फॉर्मूला, थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर भी बोल सकते हैं इसको। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम रे। यहाँ पे क्या होता है, जो इंसिडेंट जो रे होती है इसमें वो क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है उस रे को नॉर्मल से होके, नॉर्मल से ड्रोन होके वो सीधे किसके इंसिडेंट के पॉइंट से होके सेम प्लेन में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकंड पॉइंट है ये। और अब हम पढ़ते हैं कि ये मिरर कितने टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है प्लेन मिरर और सेकंड है स्पेरिकल मिरर्स। कौन से, स्पेरिकल मिरर्स। तो प्लेन मिरर तो एक ही होता है, इसके दो टाइप्स है स्पेरिकल मिरर्स की। पहला है रिफ्लेक्शन जो कि हम पढ़ रहे हैं और सेकंड है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो इनमें होता क्या है कि प्लेन मिरर में तो आपके घर में होगे प्लेन मिरर, ये क्या होते हैं कॉनकेव मिरर और कॉनवेक्स मिरर होते हैं इसमें। किसमें, इसमें स्पेरिकल मिरर्स पे देखो, देखो सॉरी माफ करना, ये देखो रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन तो हम पढ़ेंगे साथ ही साथ, हम इसमें
स्पेरिकल मिरर्स दो टाइप के, एक कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉनवेक्स मिरर। तो ये दोनों पढ़ेंगे हम। तो अब हम जान लेते हैं कि अब प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं हम। और तो अब हम पढ़ते हैं क्या प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के बारे में पढ़ते हैं पहले। अपने इसमें क्या होता है, इमेज साइज कैसी होती है, इसमें ऑब्जेक्ट इमेज साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, यानी कि इमेज साइज और ऑब्जेक्ट की साइज जो होती है वो बराबर होती है। और इमेज डिस्टेंस कितनी होती है, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस होती है, इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के इक्वल होती है। और इमेज कैसी उसमें होती है, इसमें इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज इरेक्ट। चौथा पॉइंट, इमेज इमेज इज ऑलवेज ऑलवेज लेटरली ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड। फिफ्थ पॉइंट है, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। इमेज कैसी होती है, इसमें ऑलवेज इरेक्ट, और इमेज कैसी होती है, ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड होती है ऑब्जेक्ट इमेज की, और इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल होती है इमेज इसकी। तो इसका मैं चित्र बता दूं आपको, देखो ऐसा होता है, इसका चित्र ऐसे होता है। अब क्या होती है, जब रिफ्लेक्टेड रे पड़ती है इस पे, रे पड़ती है तो ये यहां से यहां तक चला जाता है, और फिर दोबारा से यहां तक पहुंच जाएगा। अगर इसकी देखिए, इसकी क्या होती है, इमेज ऑलवेज इरेक्ट होती है, तो इसको यहां से जाएगी, ऑलवेज लेटरली इन्वर्टेड, इन्वर्टेड होकर ही तो जाएगी प्लेन मिरर पे। तो ये होता है, देखो मैं आपको दोबारा समझा दूं, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको बता दूं। इमेज कैसी होती है, होती है ऑलवेज इरेक्ट होती है, इसमें ऑलवेज इरेक्ट, इमेज इज ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज होती है, तो ये कहाँ से वर्चुअल होगी, तो यहाँ से ये कट करके जा रही है इस रे को, तो ये कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, डिमिनिश। तो ये होता है क्या, प्लेन मिरर। ये मेरे प्लेन मिरर के बारे में जितना भी आपको बता दें, ये आप अगर आप ये इस लेक्चर को देख रहे हैं तो आप अपनी नोटबुक को लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए कंफ्यूजन से भरा हो सकता है, तो इसलिए आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। इमेज साइज तो मैंने आपको बता दी, इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज इक्वल होते हैं, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इक्वल होते हैं, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट, इमेज कैसी होती है, इरेक्ट होती है, इमेज इज ऑलवेज लिटरली इन्वर्टेड होती है, इसमें इमेज जो होती है, और इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल, हमेशा इसमें इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बता दूं, देखिए आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ लाइट की। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ले, बगल वाली घंटी को भी दबाना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो आपको मिलती रहे, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और तब तक के लिए लाइक कीजिए हमारी वीडियो को, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो 10th क्लास में आने वाले हैं, 9th से, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो अगली वीडियो में हम लाइट का एक और लेक्चर लेके आएंगे, तब तक के लिए Goodbye.